أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام سيد المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم سامعین اکرام dear viewers this video is for the groom न्यूली मैरिड ग्रूम नए नौशा नए दूल्हे के लिए है। तो जिन लड़कों की शादी होने वाली है या हो चुकी है, गालिबन एक साल का वक्त के अंदर या रिसेंटली होने वाली शादी रिसेंटली हुई है, तो ऐसे लोग ऐसे बच्चों के लिए ऐसे लड़कों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। This video is for the newlywed grooms. Okay, all right. My dear son, congratulations for your onward matrimonial alliance through shadiyan.com. बहुत बहुत मुबारक हो बेटा आपको शादी, आपने जो शादियां मुबारक से अपना एक रिश्ता जोड़ा है और अब एक अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी अपनी मैरिज में ख़दम रखने जा रहे हैं, तो यू आर स्टार्टिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। अ गर्ल विल बिकम योर सोलमेट, ए पार्टनर फॉर लाइफ। द हनीमून पीरियड विल लास्ट फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स to for a maximum for an year and then things will be different. आप अपनी जिंदगी का एक बहुत important aspect, एक important chapter शुरू करने जा रहे हो बेटा। एक बच्ची आपकी शरीक हयात बनेगी, ठीक है ना, और आपकी रहबर बनेगी, आपकी दोस्त बनेगी, आपकी बीवी बनेगी, और ये ज़िंदगी भर के लिए होगा, फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। इसमें जो हनीमून पीरियड होता है ना बेटा, वो कुछ महीने या ज़्यादा से ज़्यादा एक साल में ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद चीज़ें बदलेंगी, मुख्तलिफ हो जाएंगी, ठीक है ना। शी इज़ द प्रोड्यूस ऑफ हर पेरेंट्स फार्म हाउस where almost 20 years she was treated like a princess, but now she will be your lady, wife, friend, forever. Neither treat her like a crown, or a shoe, but rather an equal partner. Give her what she deserves, love, care, support and so on. देखो बेटा, आपकी बीवी जिस बच्ची को आप शादी करके लाए हैं या लाने वाले हैं, वो अपने उसके मायके का यानी उसके अपने माँ बाप का मायके का जो गार्डन है या जो खेत है उसका वो फल है, याद रखो। 20 साल उस खेत में, उस गार्डन में जो कुछ कल्टीवेशन हुआ है, जो कुछ खेतीबाड़ी हुई है, उसका जो फल है वो आपकी बीवी है। उस घर में उस बच्ची को एक प्रिंसेस की तरह, एक शहजादी की तरह रखा गया था, याद रखना कि उसकी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखा जाता था। बेटा खाना खाए कि नहीं, बेटा सोए कि नहीं, बेटा उठे कि नहीं, बेटा नमाज पढ़े कि नहीं, बेटा ये कर लो ये मत कर लो, तबीयत क्यों ख़राब हो गई मेरी बच्ची की, क्यों वो ठंडा पिया था, क्यों पेप्सी पिया था, क्यों ठंडा पिया था, देख बुखार आ गया, गोली खा ले, डॉक्टर का नहीं चल, यानी यूँ समझ लो एक शहजादी की तरह उसको अपने घर में रखा गया था, प्रिंसेस की तरह, ठीक है। लेकिन अब आपके घर में चीज़ें मुख्तलिफ होंगी, कोई
भी आपकी बेगम को आपके घर में प्रिंसेस की तरह तो ट्रीट करेगा नहीं, ठीक है। अच्छा, शादी से पहले आपका पूरा वक्त अपने घर वालों में बीतता था, जब जैसे जब भी आप घर में दाखिल होते, चाहे ऑफिस से यानी बिजनेस से ड्यूटी से, जब भी आप घर में दाखिल होते अपनी मम्मा को, अपने बाबा को, अपनी बहन भाइयों, इन सब में अपना वक्त बिता देते। लेकिन अब ऐसा होगा नहीं, अब क्या करोगे आप? अब ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ बिताओगे। ये डिस्टर्ब करेगा आपके घर वालों को, आपकी मामा को डिस्टर्बेंस होगा, आपके वालिद साहब को डिस्टर्बेंस होगा, आपकी बहनों को खासतौर पर डिस्टर्बेंस होगा। भाई तो भाई हमारे हो गए भाभी के दीवाने, अल्लाह सुना है ना गाना, तो वो चीज़ होती है, ठीक है ना। तो उसको आपको भी समझना होगा, आपको भी समझना होगा, सोच के समझ के चीज़ों को आगे बढ़ाना, ठीक है बेटा। Until now, you have been spending most of your time with mom, dad, sisters and siblings. But now they will feel that you have changed. You are spending most of the time with your wife. They may feel it weird and may not like it. It's you who's gonna balance it between your family and your wife. अपने घर वालों को भी वक्त देना है और अपनी नए नवेली दुल्हन, अपनी शरीक हयात और बेगम को भी वक्त देना है। तो बैलेंस मेंटेन करना है, बैलेंस। व्हेनेवर योर वाइफ स्पीक्स गुड और अप्रिशिएट्स एनीवन, बीट योर मॉम, डैड, सिस्टर, इन लॉज, डोंट फॉरगेट टू कन्वे दैट टू देम, स्पेशली योर मॉम। देखो, जब भी आपकी बेगम है ना किसी के बारे में अच्छा बोले, जैसे आपकी मामा के बारे में, यानी आपकी बेगम आपकी मामा के बारे में, आपके वालिद साहब के बारे में, आपकी बहनों के बारे में, आपकी भावजों के बारे में, आपके घर में किसी के भी बारे में आपकी बेगम कुछ अच्छा बोले ना, तो उसको नोट करना और वो उनके सामने वापस जाके बताना। फॉर एग्ज़ाम्पल, बेगम ने कहा देखिए आपकी मामा बहुत अच्छी हैं क्योंकि उन्होंने जो है ना मेरे लिए ये किया, ये किया, ये किया, तो आप उसको याद भी रखेंगे और अपनी मामा को जाके बोलेंगे भी कि मामा मेरी बेगम यानी आपकी बहू आपकी बहुत तारीफ करती है, उन्होंने ऐसे ऐसे कहा था। अब अगर ये चीज़ आपकी बहन के बारे में बोला तो जाके उनको बोलना, देखो बहन मेरी बेगम यानी कि आपकी भावज ने आपके बारे में बहुत अच्छा अच्छा कहा है, ऐसे ऐसे कहा है। तो इससे एक जो इक्विलिब्रियम है, जो एक बैलेंस है, वो मेंटेन करने में आपको लीवरेज मिलेगा, आसानी होगी। इफ दे कंप्लेन अबाउट योर वाइफ, मेक दम अंडरस्टैंड दैट इट विल टेक टाइम फॉर हर टू एडजस्ट विद अस, शी इज फ्रॉम अ डिफरेंट होम। व्हेन यू स्पीक टू योर वाइफ इट शुड बी विद अ स्माइल ऑन योर फेस, listen to her completely and then tell her don't worry about it, I have full confidence in you that you will come out of these issues successfully, however please know that as you are important for me so are my parents and siblings, no matter the circumstances please don't lose patience, perseverance and sustainability, end of the day I am always there to help you। ब्यूटिफुल, इंग्लिश का बहुत अच्छा पैराग्राफ है, इसको मैं अब उर्दू में ट्रांसलेट करता हूँ। अगर आपकी मम्मा ने, आपके वालिद साहब ने, आपकी बहनों ने, आपकी भावजों ने, आपके भाइयों ने, किसी ने भी आपकी नए नवेली दुल्हन के बारे में कंप्लेन किया, तो उनको आपका काम है समझाना कि देखो भाई 20 साल ये बच्ची एक अलग घर के माहौल में रह के आई है, तो इसको वक्त लगेगा हमारे घर में एडजस्ट करने, और उनको समझाइएगा कोई बात नहीं, मैं अपनी बेगम को अच्छी तरह जानता हूँ, वो ज़रूर अडाप्ट कर लेगी, फिर भी आपकी दिल की तसल्ली के लिए मैं अपनी बेगम को समझाऊंगा, कोई मसला नहीं। मगर ऐसा होता है ना कि देखो थोड़ा आप भी जो है ना ये बात को समझें और आप भी थोड़ा नरमी से पेश आएँ। क्या होता है ना कि नया नया मामला है, थोड़ा वक्त लगता है, गेयरिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, हाँ अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स होते हैं,
ठीक है, कल्चरल डिफरेंस होता है, ऐसे ऐसे करके बात को निभाना है। और जब आप अपनी बीवी से बात करेंगे तो एक बेहतरीन सी मुस्कान के साथ, चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, आंखों में चमक होनी चाहिए, ठीक है, पूरे मुस्कान के साथ आप बात करें। और जब वो ये प्रॉब्लम सुनाएंगे ना कि आपकी मम्मा के साथ टेंशन हो गई, आपकी बेगम के, आपकी बहन के साथ टेंशन हो गई, भावच के साथ, बोला कोई बात नहीं, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि इन इश्यूज से तुम धीरे धीरे बाहर आओगी, पूरी सक्सेस के साथ आओगी, डोंट वरी। मगर एक बात का ध्यान रखना बेगम साहिबा, एक बात का ध्यान रखना, जैसे आप मेरी जिंदगी का हिस्सा हैं, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई, मेरे घर वाले भी मेरी जिंदगी का हिस्सा हैं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। बोलो हालात कितने भी सख्त हो, आप सबर का दामन थामे रखिए, सबर से, दयानतदारी से और डिप्लोमेसी से चीज़ों को धीरे धीरे सॉल्व करें, ठीक है, और पूरी पॉजिटिविटी के साथ, पूरी पॉजिटिविटी के साथ। और एक बात याद रखना मेरी बेगम साहिबा, मेरी शरीक हयात, एक बात आप याद रखिएगा, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ, मैं हमेशा आपके साथ। और आखिरी में अपनी बेगम को ये जुमला ज़रूर कहना, हर कन्वर्जेशन में जहाँ भी मसले मसाइल हो, नई नवी दिलो नस्ल मसाइल हो ना, ये जुमला मेरा अपनी बेगम से ज़रूर कहना। क्या जुमला है, पहले इंग्लिश में फिर उर्दू। आई एम थैंकफुल टू अल्लाह सुबहाना व तआला ऑलमाइटी लॉर्ड दैट यू आर इन माई लाइफ, यू आर ए वाइफ इन माई लाइफ, फॉर माई लाइफ, यू आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड इन माई लाइफ टाइम। तो उर्दू में देखो बेगम, मैं अल्लाह सुबहाना व ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि आप मेरी जिंदगी में आई हैं और आप अल्लाह ताला का दिया हुआ बेहतरीन, वन ऑफ द, अल्लाह ताला ने जिन नेमतों से मुझे नवाजा है उन बेहतरीन नेमतों में से आप एक बेहतरीन नेमत हो। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आप मेरी बेगम हैं, आप बहुत अच्छी नीयत की हैं, आप बहुत खुश मिजाज हैं, आप बहुत हंसमुख हैं, आप बहुत अल्लाह से डरने वाली हैं, आप बहुत मेरा ख्याल करने वाली हैं, आप मेरे मम्मी बाबा का, घर वालों का बहुत ख्याल करने वाली है, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। इस जुमले के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। मैं ख़ास तौर पे माँ बाप से और बहन भाइयों से गुजारिश करूँगा कि जिन बच्चों की अब शादी होने वाली है या नए जस्ट जो अभी अभी नौशा बने हैं या नौशा बनने वाले हैं, तो उनको इस वीडियो को दिखाइएगा, उनसे कहिएगा 2-3 बार देखें, इसको समझें, अगर कोई डाउट है तो मुझे कांटेक्ट करें। और आप सबसे अदबन गुजारिश है कि अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको लगता है कि आपको मेरी इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है और आगे भी मैं वीडियोस में आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, तो फिर सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। तो साइनिंग ऑफ, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ शादियाँ.com, फजल भाई, क्यू बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।